इस वक्त पुतिन खुश हैं, बाइडेन और सुनक टेंशन में हैं। पुतिन को वॉर ट्रॉफी मिल गई है। जी हाँ, रूसी सेना ने सीक्रेट ऑपरेशन चलाकर ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल को जब्त कर लिया है और इस तरह नेटो को बहुत बड़ा सेटबैक लग गया है। ये वो घटना है जिससे युद्ध 180 डिग्री घूम जाएगा। आखिर क्यों और कैसे, आइए हम भी जानते हैं। युद्ध में नेटो को बहुत बड़ा सेटबैक लग गया है। वॉर जोन से ब्रिटेन के लिए बहुत बुरी खबर आई है। रूसी सेना ने ब्रिटेन के स्टॉर्म शैडो मिसाइल जब्त कर ली है, जिंदा और एक्टिव मिसाइल। वही स्टॉर्म शैडो मिसाइल जिसे ब्रिटेन ने यूक्रेन को दिया था। लंबी दूरी तक मार करने वाली इस मिसाइल से ही यूक्रेन रूसी धरती पर लगातार हमले कर रहा था। ब्रिटेन के इस कदम से यूक्रेन के स्टॉर्म अटैक से परेशान रूसी फौज ने एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया जिसमें रशियन आर्मी को नई और पैक्ड स्टॉर्म शैडो मिसाइल मिल गई। डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये पुतिन की वॉर ट्रॉफी है। वॉर ट्रॉफी इसलिए क्योंकि अब रूस के वैज्ञानिक स्टॉर्म शैडो मिसाइल पर रिसर्च करेंगे और ब्रिटेन के खतरनाक मिसाइल का तोड़ निकालेंगे। रूस के इस एक्शन से यूरोप और नेटो देश दहशत से भरे हुए हैं। सवाल यह है कि आखिर ब्रिटेन के स्टॉर्म शैडो मिसाइल में ऐसा क्या है कि रूस इससे परेशान है। अब इसे समझिए, ब्रिटेन के स्टॉर्म शैडो मिसाइल बहुत ही डेंजरस है। ये 1000 किलोमीटर की रफ्तार से अटैक करती है। इसकी रेंज करीब 250 किलोमीटर है, मतलब ये 250 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन को तहस नहस कर देती है। ये मिसाइल कितनी घातक है इसे आप तब समझेंगे जब इससे हमला करने के तरीके को जानेंगे। स्टॉर्म मिसाइल को फाइटर जेट से फायर किया जाता है। जीपीएस के जरिए ये जमीन के बेहद करीब आ जाती है। टारगेट पर हमला करने से ठीक पहले ये फिर काफी ऊंचाई तक जाती है। इस दौरान ये अपने टारगेट को लोकेट करती है और फिर उसे पल भर में ही तबाह कर देती है। दुश्मन का रडार इसे पकड़ नहीं पाता क्योंकि ये कम ऊंचाई पर उड़कर अटैक करती है। रूस ने ब्रिटेन के इस घातक मिसाइल को जब्त किया है। रूसी वैज्ञानिक अब इसी पर शोध करेंगे और इसका तोड़ निकालेंगे। इस घटना का जंग पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। नेटो के तमाम देश यूक्रेन को वेपन नहीं देंगे। शुरुआत जर्मनी ने कर दी है। जर्मनी ने टॉरस मिसाइल देने से मना कर दिया है और इस तरह से नेटो में फूट पड़नी शुरू हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।